नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इजी लर्निंग। आज मैं इस वीडियोस में आपको बताऊंगा कैसे आसानी से आप फिगरल एनालॉजी का जितने सारे भी प्रॉब्लम हो सके वो कितनी आसानी के इजी ट्रिक के साथ आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सीधा चलते क्लासरूम की ओर। तो जैसे मैंने बताया इंट्रोडक्शन पे, आज की क्लास में मैंने बताऊंगा जो फिगरल एनालॉजी है वो क्या चीज़ है और आपको एग्ज़ाम में कितनी जल्दी जल्दी आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं उसका ट्रिक्स मैंने बताऊंगा। ठीक है, तो सीधा ध्यान देता है इधर। फिगरल एनालॉजी, एनालॉजी का मतलब क्या होता है? एनालॉजी का मतलब होता है कि एक कंपैरिजन, कंपेयर करना है आपको और उसके सिमिलर सिमिलैरिटी जो है उससे आपको आंसर देना है। तो एनालॉजी का वही मतलब होता है। मैंने पिछले वीडियोस में जो सिंबलिंग एनालॉजी होता है, जो नंबर एनालॉजी होता है, जो सीमेंटिंग एनालॉजी होता है, ये सारे मैंने बता दिया। तो आज का जो लेसन है फिगरल एनालॉजी, ये सबसे आसान चीज़ है। मतलब हॉल में ये आप मैक्सिमम 5 या 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कर ही लेंगे आप। ठीक है, अगर मैंने बोलूँ या ना बोलूँ कैसे? अब देखो, आपको ऐसे करके दिया गया कि भाई ये एक स्क्वायर है, तो इसके अंदर भी मैंने एक स्क्वायर डाला। ठीक है, तो अगर ये ट्रायंगल है तो इसका क्या होगा आंसर? कोई इससे दिया था ये, ओके। तो ट्रायंगल के क्या होगा? सिंपल रिलेशन क्या है? जो पहला चीज था वही है। ठीक है, जो पहला चीज था वही है और क्या किया एड कि जो बेस था, मतलब इसको हम बेस एलिमेंट कहेंगे कि बेस एलिमेंट, ये बेस एलिमेंट को उसके अंदर रिपीट किया गया। तो वैसे इधर बेस एलिमेंट क्या है? ये तो बेस एलिमेंट वैसा ही रहेगा। और क्या है? बेस एलिमेंट को इधर रिपीट किया गया, मतलब इधर भी रिपीट होगा। ये हो गया आपका आंसर। हाँ भाई, इतना ही आसान है आपका जो फिगरल एनालॉजी। अब क्वेश्चन पेपर में क्या आता है, थोड़ा घुमा फिरा के, थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके एक बेस एलिमेंट की जगह पे 2-3 बेस एलिमेंट दे देते हैं, इसी टाइप का आपका फिगरल एनालॉजी है। इतनी आसान है, बस ये मान लीजिए आप 8th स्टैंडर्ड या 7th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसीलिए आपको बस 5 से 10 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व करना है। बस पिक्चर को देखना है फर्स्ट, सी 5 सेकंड देखो इसको। ठीक है, जो बेस एलिमेंट है, बेस एलिमेंट उसको आइडेंटिफाई करो 10 सेकंड। ठीक है, आपका तो ऐसा ही है 40 सेकंड, ओके। तो 5 सेकंड देखो, 10 सेकंड में बेस एलिमेंट को आइडेंटिफाई करो। ऑपरेशन क्या किया गया, मतलब उसको रिपीट किया गया, घुमा दिया, क्या किया ऑपरेशन, क्या किया उसको आप देखो 5 सेकंड एंड रिपीट। रिपीट मतलब जो दिया गया क्वेश्चन में उसको ही आप रिपीट करो, ये जो सेम ऑपरेशन जो है उसको रिपीट करो, रिपीट ऑपरेशन 10 सेकंड, मतलब 30 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, बाकी जो आपका टाइम बचेगा ना वो आप ही किसी दूसरे क्वेश्चन पे इन्वेस्ट करना। तो देख लेते हैं क्वेश्चन में, एक्चुअल क्वेश्चन में किस टाइप का ये जो फिगरल एनालॉजी है वो आता है। ठीक है, मैंने मेरे नोट्स पे कुछ पॉइंट कर लिया, उसको ही मैं देख के बस कॉपी करूंगा। ओके, तो सबसे पहला जो है क्वेश्चन पे ऐसे था कि एक ऐसे करके है, उसको क्या किया, ऐसे किया। ओके, तो अगर आपको दिया गया है ऐसे और ऐसे, तो उसका जवाब क्या होगा? ठीक है, तो आप किसी को तो देख के भी लग रहा है भाई ये क्या है, उससे तो सिमिलरली कर दूंगा। हाँ, सिमिलरली आप कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो स्टेप बताया वो फॉर्मली आप कीजिए, इस पर गलती होने की चांस बहुत कम होता है। क्योंकि यहाँ पे जो है एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स है, 1, 2, 3 एलिमेंट्स बहुत कम है। ये 3 की जगह पे हो सकता है आपका 5, 6, 7, 8 एलिमेंट्स है और उसका बहुत सारा ऑपरेशन है। यहाँ पे कितने ऑपरेशन किया गया? ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देखिए, आपने एलिमेंट आइडेंटिफाई कर लिया तो यहाँ पे भी कर लीजिए। अब उसका क्या सेकंड स्टेप था आपका, उसका ऑपरेशन क्या है हर एक एलिमेंट का,
अब इधर देख सकते हैं, इसको सिंपली 90 डिग्री घुमा दिया गया, 45 है उसके बाद 90, तो आप इसको भी 90 घुमाएंगे तो ये पीछे चला जाएगा और ये सामने आ जाएगा। 50% आंसर हो गया। और भी बचे हैं, ये एलिमेंट, इस पर कोई ऑपरेशन किया गया? हाँ, इसको फिल कर दिया गया, तो ये वाला जो ये था करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, यही था इसका करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ना, तो इसको भी हम फिल कर देंगे, हो गया। लास्ट एलिमेंट कौन सा था? ये, इसका कोई ऑपरेशन किया गया? नहीं भाई, तो फिर इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो आपका आंसर आ गया, बात खत्म। ओके, अब दूसरे एग्जांपल पे देख लेते। तो फिगरल एनालॉजी में आपको बस ध्यान से जो 30 सेकंड मैंने कहा गया, वो 30 सेकंड को आपको अच्छे से इन्वेस्ट करना है क्वेश्चन के ऊपर, कि ऐसे यहाँ पे दिया है कि ये कैसे है, ये कैसे है, ये ऐसे है, उसके लिए क्या दिया गया, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो आपको कहा कि ये और ये इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, वही आप एलिमेंट आइडेंटिफाई कीजिए फर्स्ट काम, कितने एलिमेंट है, 1 2 3 हो गया। सेकंड काम, उसका ऑपरेशन क्या किया गया, इसका ऑपरेशन क्या किया गया कि इसको दूसरे पोजीशन पे लाया, और तो कोई नहीं, वैसा ओरिएंटेशन है वैसा ही है, ऐसा नहीं इसको घुमा भी दिया, बस इसका पोजीशन चेंज हुआ। तो ये जो पहला वाला है इसका भी ये मान लो 3 पोजीशन, ये सेकंड पे आएगा, हो गया फर्स्ट। अब सेकंड एलिमेंट, ये क्या हुआ, फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, तो मतलब ये आ जाएगा फर्स्ट पे, ओके। और लास्ट में क्या है, वो जैसे का वैसे ही है, ये हो गया आपका आंसर। यही ऑप्शन में आपको दिया जाएगा ऐसा 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 ऐसा, ठीक है, ये भी ऐसा, मतलब आप ऑप्शन देख के कंफ्यूज हो जाएंगे भाई, थोड़ा तो वही तो सिमिलर लग रहा है, इसलिए मेरा यही सलाह है, आप ऑप्शन को मत देखिए, पहले अपना ऑपरेशन पूजा पूरा कीजिए, फिर आप देखिए किसके साथ ये मैच होता है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट ट्राइंगल लास्ट रेक्टेंगल, तो ये हो गया ऑप्शन, उसको क्लिक कीजिए, कंप्यूटर बेस्ड है तो क्लिक कीजिए, अगर हार्ड कॉपी में होता है तो उस पर बागर कीजिए, क्लिक कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया, ये ऑप्शन को ऑप्शन अब जो है मत देखिए, अब कंफ्यूज हो जाएंगे, एक ही सिमिलर टाइप का है, अब जो मैंने फंडा बताया उसके हिसाब से पहले ऑपरेशंस को पूरा कीजिए, फिर और एक एग्जांपल लास्ट, इसको आप प्रैक्टिस करते रहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान से देखना, एक्चुअली थोड़ा हार्ड टाइप है लेकिन ज़्यादा नहीं, ये आपको पहले ऐसे दिया गया, उसके बाद ऐसे, ठीक है, उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे, इधर एक ऐसा है, इधर एक ऐसे है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका ऐसे, ठीक है, हो गया। ये ऑपरेशन कर दिया, तो आपको पूछा गया, तो ये जो चीज है, ये स्ट्रेट, ये स्ट्रेट, ये कार और ये ऐसे कार, इधर ऐसा है, इधर ऐसा है, तो ये क्या है, ठीक है। तो इसका कारस्पॉन्डिंग जो आंसर है वो अगर ऑप्शन में डायरेक्ट देंगे तो आप पजल्ड हो जाएंगे, भाई सब तो एक ही जैसा दिख रहा है, मतलब ये जो कार है ना, अगर इसकी जगह पे ये, इसकी जगह पे ये, मतलब पूरा कंफ्यूज कर देगा आपको। अब सिंपली जो स्टेप मैंने बताया उसको आप ध्यान से कीजिए, पहला काम एलिमेंट आइडेंटिफाई कीजिए, कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट है, मतलब हो सकता है 6 ऑपरेशन किया गया है, ओके। क्या क्या ऑपरेशन किया गया देखो, अब एक तो आइडिया लगा ही सकता है ना कि इसको घुमा दिया गया है, मतलब ये जो पार्ट है ये ऊपर आ गया, मतलब अगर इसको 90 डिग्री हम रोटेट कर देंगे ऐसे करके, इसको बेस करके इसको घुमा दो
तो ये ऊपर आ गया, बाकी जो स्ट्रेट लाइन ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ठीक है। और क्या होगा अगर इसको ऐसे घुमाए, तो यहाँ पे तो क्रॉस और यहाँ पे डॉट होना चाहिए, है नहीं? इसके रेस्पेक्ट पे मैंने घुमा दिया, ठीक है, तो मतलब क्रॉस के रेस्पेक्ट पे, तो लेफ्ट पे क्रॉस होना चाहिए और घुमा के जब ये नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे डॉट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उल्टा कर दिया। मतलब ये जो एलिमेंट कहा था मैंने, इसका अल्टरनेशन किया गया, ये क्रॉस उधर चला गया और ये जो डॉट इधर है ये इधर चला गया, ठीक है। तो ये एलिमेंट का भी ऑपरेशन आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ऑप्शन में ये एलिमेंट को वैसे ही रखने के लिए भी ऑप्शन दिया जाएगा, जैसे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अब क्या क्या ऑपरेशन हो गया, पहले तो इसको घुमाना होगा पूरा, फिर ये जो दो एलिमेंट है इसका ऑल्टरनेशन होगा। सो फर्स्ट ऑपरेशन रोटेट 90 डिग्री, स्टेप बाई स्टेप ही करना है आपको, और सेकेंड जो है ऑल्टरनेशन ये दो का। तो करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे बेस ये था, तो इधर भी होगा बेस ये, तो इसके रेस्पेक्ट में मैंने घुमाया, तो ये जो है ये नीचे आ जाएगा, आ गया, ये डॉट रह जाएगा, रह गया। अब ये स्ट्रेट 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 के एंड पे ये क्रॉस क्रॉस, अब क्या है ये अप टाइप का जो है ये आ गया, और फिर ये खत्म नहीं हुआ। अभी क्या करना है, ठीक है, पहले एक बार रिपीट कर देता हूँ जो घुमाने का, इसको बेस कीजिए, किया तो किया तो करके रोटेट किया तो क्या होगा, बस ये जो डॉट है ये नीचे आ जाएगा, आगे आ गया, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये भी आ गया। तो इसके बेसिस पे आप कहिए, ये स्ट्रेट लाइन का बेस ये था, ये डॉट, डॉट के बाद ये स्ट्रेट स्ट्रेट के बाद ऐसे करके फिर ऐसे करके, मतलब इसका जो पेट है ये अंदर की तरफ है, ठीक है, अंदर हो गया, ठीक है। दूसरा क्या था, ये दोनों का ऑल्टरेशन, मतलब ऑप्शन में आप आराम से ये चीज़ को देख के आराम से बहुत सारे, मतलब 60 से 70% स्टूडेंट का तो गलत इस पे होता है, ये वाला ऑप्शन देख के फटाक से टिक करके चला जाता है। अरे भाई जहाँ पे आपने ये 30 सेकंड दे दिया वहाँ पे और एक 5 सेकंड दे दो ना, कि आपको पूरा मार्क्स जो है वो आ जाए और नेगेटिव भी ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ दिमाग में रखिए, ये स्ट्रेटेजीज होता है, जहाँ पे मैंने 30 सेकंड दे दिया और 5 सेकंड देने में क्या है, तो इसको उल्टा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा। और क्वेश्चन वाले ना पहले वो गलत वाला ऑप्शन रखते हैं, कि हमारा जो एक्चुअली साइकोलॉजीज है पहले ही उसको देखेगा, उसको टिक करेगा एक्साइटमेंट में, वो बहुत एक्साइट आ रही, आ गया आंसर, चलो टिक कर देते हैं। ऐसा नहीं करना भाई, आराम से शांति से ध्यान से, तो रिवाइटर वगैरह खा के एग्जाम हॉल में मत जाना, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर, तो वही फिगर एंड एनालॉजी का चैप्टर यही खत्म करते हैं, ये पूरा आपका प्रैक्टिस पे है और वो स्टेप याद रखना, ठीक है।